हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। गाइस, करें जोडियाक रीडिंग। ये पर्टिकुलर रीडिंग कैंसर सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी। रीडिंग का टाइम फ्रेम है 16th से 31st ऑफ अक्टूबर 2024। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो से एंड देन ओरेकल से भी गाइडेंस लेंगे, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कार्ड्स लूँगी और उसके बाद ही रीडिंग स्टार्ट करूँगी। आप चाहें तो डायरेक्टली रीडिंग पर भी जंप कर सकते हैं एंड मीनवाइल आई शफल। आप एनर्जी से, रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ कमेंट में ज़रूर टाइप करें, ठीक है। तो थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर माई कैंसर कलेक्टिव्स सन मून राइजिंग। Please guide me for my beautiful and amazing Cancer collectives here. Sun Moon Rising 16 से 31 October क्या energy आ रही है? Four cards please. Thank you so much. Thank you. Finances, career, profession, health and personal life, love life. Bottom की energy 9 of coins, 9 of pentacles. Okay. जल्दी से और एक्ल्स भी लेंगे। कैंसर सन मून राइजिंग 31 अक्टूबर तक, 16 से 31 अक्टूबर क्या एनर्जीज हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट, डियर गॉड, गॉडेसेस एंड एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे फॉर कैंसर कलेक्टर सन मून राइजिंग। अमेजिंग, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फाइनेंसेस देखेंगे सबसे पहले। ऑल्दो आपके पास देखो 9 ऑफ कॉइंस तो आया ही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड ऑब्वियसली यार फाइनेंसेस में तो ऐसा लग रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, आप घर लेने का सोच रहे हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो। फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं आपके, एक ग्रोथ है फाइनेंसेस में, सेलिब्रेशन है फाइनेंसेस को लेकर, गुड न्यूज़ है फाइनेंसेस को लेकर, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है उस फाइनेंसेस को लेकर। आई थिंक 11/11 पोर्टल की भी एनर्जी है यहाँ पर। नवंबर में आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलेगी। आई नो ये 31 अक्टूबर तक की रीडिंग है बट नवंबर का मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि नवंबर में आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप आज कुछ लेने का सोच रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, पता नहीं रियल एस्टेट में या किसी भी एरिया में हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, देखो अपना रिस्क असेस करके सोचना, राइट, जो भी इन्वेस्ट करना है। बट चांसेस हैं, थोड़ा अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और नवंबर तक तो बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है फाइनेंसेस को लेकर। यहाँ पर देखते हैं करियर एंड प्रोफेशन। ओके, करियर प्रोफेशन में यहाँ पर यार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, राइवलरी, किसी तरीके का टॉक्सिक एनवायरनमेंट वर्क प्लेस पे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। गॉसिपिंग की एनर्जी है, अननेसेसरी बुलिंग की एनर्जी है। ओके, तो थोड़ा सा प्रोफेशन वर्क प्लेस पर थोड़ा सा एनर्जी अभी अच्छी नहीं चल रही है एंड बेसिकली मुझे यहाँ पर बहुत सारा कम्युनिकेशन ऐसा लग रहा है कि वाद विवाद बातों से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपसे यही गाइडेंस दूंगी, आपको एक ही बात कहूँगी कि अपने आप को बैक ऑफ कर लो, फ़ायदा कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। थोड़ा सा बैक ऑफ करो, स्पेस दो, समझो चीज़ों को, अपने आप चीज़ें सेटल होती हैं। ओके गाइस, तो थोड़ा वर्क प्लेस पर आपको ना डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा चीज़ों को आई थिंक स्पेस देने की ज़रूरत है। मैं कंप्लीट इग्नोर के लिए नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, बट कुछ समय के लिए ना इंस्टेंट रिएक्शन मत दो। हेल्थ, ओ हेल्थ के लिए हो सकता है आपको डॉक्टर्स की विजिट करने पड़े, हॉस्पिटल्स की विजिट करने पड़े, आपका कुछ ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह कुछ ऐसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। किसी तरीके की आपको ऐसा लग रहा है कि कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, डेफिशिएंसी से महसूस हो रही है, बोन्स में कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो मतलब कुछ इस तरीके का ना आपको डॉक्टर रिपोर्ट के लिए कहेंगे एंड हो सकता है आपके एक दो चक्कर लगे डॉक्टर के पास। ओके, ये एनर्जी है। एंड लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में द हैंगमैन, दो मैसेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें देखो इम्प्रूव तो होंगी पर्सनल फैमिली के एरिया में, अभी तक चीज़ें स्टक लग रही थी, आपको लग रहा था कि
बहुत लंबे समय से कुछ ना कुछ इश्यूज, एक ख़त्म नहीं होता दूसरा स्टार्ट हो जाता है, ऐसा चल रहा होगा आपको ना। जहाँ पे आप स्टक हो उसमें जितना ज़्यादा आप हाथ पाँव मारने की कोशिश करोगे आप उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस होगे, क्योंकि 11:11 पोर्टल डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है। एनर्जी अपने आप डिसिपेट हो जाएगी जब उसको होना होगा। आपके जो कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, जब तक आप वो फेस नहीं कर लोगे ये चीज़ नहीं जाती है, ठीक है। एक मैसेज तो इसलिए आपको ना एक्सेप्टेंस में आने को कहा जा रहा है। रेजिस्टेंस से निकलो, एक्सेप्टेंस में आओ और ईश्वर की शरण में जाओ, ठीक है। नाम जाप करने को मैं पिछली रीडिंग में भी कह रही थी, मैंने बहुत मैसेज दिया है, क्योंकि जब हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती ना हमें सरेंडर करके ईश्वर पे छोड़नी होती है, लेकिन उसमें भी ना बड़ी दिक्कत होती है। आप ऐसे ही नहीं एक दिन इंटेंशन नहीं सेट कर सकते कि आज से मैं ईश्वर पे छोड़ दूंगा। जब आपके सामने दूसरी प्रॉब्लम आएगी ना एकदम से, फिर आप एक्शन रिएक्शन करने लगोगे। तो वो एक्शन रिएक्शन से बचने के लिए जो हमें अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है ना, वो नाम जाप हेल्प करता है। तो ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु का नाम लीजिए आप, कोई मंत्रा चैंटिंग में अपना ये ध्यान लगाइए, किसी तरीके का फ्रेज चैंटिंग में ध्यान लगाइए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी पेशेंस की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ एक ही वर्ड धैर्य, पेशेंस 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 मैं ऐसे चैंट करने लगती हूँ। तो वो पर्सनल चैंटिंग हो गई आपकी एक तरीके से, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें अभी मेल्ट नहीं होंगी। आई थिंक आपके भी ऐसी प्लेसमेंट है कि कोई बहुत लंबी साइकिल है, जैसे क्योंकि जो मैंने बताया ना प्लूटो प्लूटो चेंज कर रहा है अपने प्लेसमेंट, राशि चेंज कर रहा है प्लूटो, 19 साल बाद, आई एम नॉट श्योर 19 या 15। तो कुछ बहुत लंबे समय की साइकिल है यहाँ पर जो अब एंड होने वाली है ना, इसलिए चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हैं आपके लिए। इंक्रीज, 9 ऑफ पेंटिकल्स था, इंक्रीज है, जो भी है ना ये सब सॉर्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। अभी थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं ना कि काट लो बेटा टाइम, काट लो है ना, हैंग इन देयर, ये भी बदल जाएगा। तो आपको लिटरली थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन मेरी जान काटना पड़ेगा, गूज़बम्स आ गए मुझे कहते हुए, सच में बहुत प्यार भरी हग भेज रही हूँ मैं, टाइट हग, आई नो यू गाइज नीड इट, ओके। इनर पीस, ग्राउंडिंग करो और जिन चीज़ों से खुशी मिलती है ना वो काम करो, ठीक है। जर्नलिंग करो, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, योगा करो, मेडिटेशन में बैठो। मेडिटेशन में मन नहीं लगता तो नाम जाप करो, ठीक है, बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि मेडिटेशन में एकदम से नहीं मन लगता यार, जब लाइफ में ऊपर नीचे के और एकदम टावर मोमेंट्स चल रहे होते हैं ना तो नहीं मन लगता, दैट इज़ ट्रू। तो नाम जाप ज़रूर करो, किसी तरीके का मंत्रा चैंटिंग करो जो आपको अच्छा लगे, लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, ये चीज़ हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी गाइज, हो जाएगी। एंड यहाँ पर स्नेक की भी एनर्जी, अब ओल्ड को हटाना, न्यू को लेके आना। एंड लॉर्ड शिवा के, अगर आप आपके ईष्ट हैं लॉर्ड शिवा या लॉर्ड शिवा को मानते हो, भक्त हो उनके, तो लॉर्ड शिवा का नाम लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। कुछ लोग को यही चैंटिंग करनी है लिटरली। एंड एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, गाइस फैमिली में भी यहाँ पर इश्यूज लग रहे हैं मुझे तो। तो फैमिली में भी अगर किसी तरीके का पैटर्न है आपके यहाँ, क्या होता है कि अब तो आजकल साइकोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, बहुत ही डिसफंक्शनल होती है कई बार हमारी इंडियन फैमिलीज, नॉट इंडियन फैमिलीज ओवरऑल, बट बहुत डिसफंक्शनल रही हैं पास्ट में, बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी एंड बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रही हैं। तो आप अपने हिसाब से देखें आपकी क्या फैमिली पैटर्न्स रहे हैं, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि उसमें अब हीलिंग है, क्योंकि मैंने कहा ना एक 15-year-long साइकिल है कोई जो एंड होगा 15th November को, क्योंकि प्लूटो चेंज कर रहे हैं अपनी राशि,
ठीक है, तो अब आपको ना थोड़ा यहाँ पर भी स्नेक की एनर्जी है। माय गॉड, गेटिंग गूज बम्स अगेन। ओके, तो एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी है आपको। एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए प्रेयर्स करनी है, एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए इंटेंशन रखनी है कि जो भी पैटर्न्स हैं जो अब तक सर्व नहीं कर रहे थे, हम उन ओल्ड चीज़ों को शेड करते हैं। हम क्या, आप करो, कोई और नहीं बिलीव करता इन चीज़ों में, आप करो, ठीक है, और आगे बढ़ो इन चीज़ों से। ओके, तो कैंसर, ये कुछ एनर्जीज थी आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो, और अगर है तो लाइक करें इस रीडिंग को, शेयर करें, और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।